ट्रैकिंग सभी लोग परेशान हैं और सोचते हैं कि कैसे ट्रैकिंग को रोका जा सकता है। मतलब कि आपको अगर कोई वेबसाइट वाला ट्रैक करता है तो कैसे रोके, ये आपके दिमाग में भी चलता है और हम सभी के लोगों के दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिन लोगों को प्राइवेसी के बारे में नहीं मालूम है उनको तो जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मालूम होगा कि अपने लोग का इंटरनेट पर प्राइवेसी कितना ज़्यादा मैटर रखता है। लेकिन दोस्तों, ट्रैकिंग की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ जगह ट्रैकिंग अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग नहीं होगा तो फिर आपसे जो रिलेटेड कंटेंट है वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ जगह जो है ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आज का ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ट्रैकिंग कहाँ पर सही है, फिर मैं बताऊंगा ट्रैकिंग कहाँ पर गलत है, और अगर जहाँ पे गलत है तो वहाँ पर अपने आप को ट्रैक होने से कैसे रोक सकते हैं, ये सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजिन फर्मा। दोस्तों, मेरे दोस्त होने के नाते मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बता देता हूँ कि कहाँ पर ट्रैकिंग अच्छा होता है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, हो सकता है कि मेरे सब्सक्राइबर हों तो आपको नोटिफिकेशन मिला हो जो वीडियो देख ले, लेकिन ये भी हो सकता है ये वीडियो आपको सजेशन में कहीं मिला होगा और वहाँ से देखे होइएगा। तो वो सजेशन कैसे मिलता है सोच के देखिए, हो सकता है कि आप लॉगिन नहीं किए हैं फिर भी सजेशन में आएगा। कैसे आता है, फेसबुक आपके नज़दीकी दोस्त को दिखा देता है। कैसे दिखाता है, आपके लोकेशन के अनुसार कंटेंट दिखाता है। कैसे दिखाता है, ये सब भी ट्रैक करता है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके बाद जैसे ट्विटर हो गया, ये सब ट्रैक नहीं करेगा तो आपके मतलब नज़दीकी का कंटेंट या आपसे रिलेटेड आपके रिलेवेंट कंटेंट आपको नहीं दिखा पाएगा, या आप जो सर्च सर्च कीजिएगा तो सही सही सर्च रिजल्ट्स नहीं शो कर पाएगा। तो यहाँ पे ट्रैकिंग अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। ये चीज़ें जो है कम्प्लीटली आपको फ्री में मिलता है, तो ऐसे में ये कंपनियाँ आपके डेटा का इस्तेमाल इस पर्पज़ से करती है, तो ये सब ट्रस्टेड कंपनी है। अब बात करते हैं कि ऐसे वेबसाइट जो कि सही वेबसाइट नहीं है, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे वेबसाइट पे अगर जाते हैं और वहाँ पे आपके ट्रैक मतलब कि आपके ट्रैक रिकॉर्ड को, आपके ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब ट्रैकिंग में क्या क्या ट्रैक करेगा, आपका लोकेशन, आपका बिहेवियर, आपका सर्च हिस्ट्री, आपके मतलब कि कैसा सर्च करते हैं, आपका मेंटलिटी क्या है, ये सब कुछ जो है वहाँ पर ट्रैक करेगा। और जब वहाँ पे ट्रैक करेगा तो ऐसे में आप चाहिए कि आपको कोई ट्रैक ना कर ले, और ऐसे में आप क्या कीजिएगा, आप प्राइवेट ब्राउजिंग को प्रिफर कीजिएगा, सोचिएगा कि जहाँ पे कोई रिकॉर्ड ना मेंशन रहे, तो ऐसे में आप सेफ भी रहिएगा और ऐसा होना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। और यहीं पे ट्रैकिंग को स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैकिंग करता कैसे है ये समझिए, जब भी किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो उस वेबसाइट के पीछे जो कोड होता है उसमें ट्रैकिंग कोड लगाया रहता है और उस अनुसार से आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। आप लॉगिन नहीं है तब की मैं बात करूँ, लॉगिन है तब तो वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप वहाँ पे दे चुके हैं, तब तो कोई बात नहीं भैया, वो तो इन्फॉर्मेशन आपने फिल करके दिया है। लेकिन लॉगिन नहीं है उसके मतलब उस समय या इसके बाद जो आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गया, तो ऐसे में क्या है कि ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए, ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उस कोड को पर्टिकुलर जो कोड ट्रैक करता है उसको स्टॉप कर दे और इसके बाद आपके सामने लाए। तो ऐसे में दोस्तों फायरफॉक्स जो है बहुत माहिर है। अब फायरफॉक्स में ट्रैकिंग प्रोटेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल है, इस फीचर का फायदा उठाइए और जब भी इस टाइप का प्राइवेट ब्राउजिंग करें तो ऐसे में इस प्रोटेक्शन को इनेबल करके रखिए। अब जब यहाँ पे इनेबल कर दीजिएगा, इसके बाद भी दोस्तों आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, ट्रैकिंग कोड वहाँ पे डिसेबल हो जाएगा और आपको फिल्टर होकर कंटेंट मिलेगा। और दूसरा भी फायदा मिलेगा, वो फायदा ये है कि आप जिस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा जहाँ पे ट्रैकिंग कोड जो है काम नहीं कर रहा है, मतलब ट्रैकिंग प्रोटेक्शन इनेबल है, वो वेबसाइट जनरली जैसे लोड होता है उससे फास्ट लोड होगा। क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग कोड काम ही नहीं कर रहा है, ये है फायदा। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आपको अगर ट्रैकिंग स्टॉप करवाना है, नहीं आपको चाहते हैं कि आपको ऐसा कंटेंट ना मिले जो ट्रैकिंग के बेस पे हो, ऐसे में इस फीचर की इनेबल कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप जाइए फायरफॉक्स मतलब मोजिला फायरफॉक्स को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में मतलब कि एक तरह से जैसे प्राइवेट ब्राउजिंग कीजिएगा वहाँ पे आपको ऑप्शन भी आ जाएंगे कि कैसे ट्रैकिंग प्रोटेक्शन को इनेबल करें। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग प्रोटेक्शन में जो तीन ऑप्शन होगा, पहला होगा नेवर,
दूसरा होगा कि आपका ऑलवेज वन, तीसरा होगा कि इन प्राइवेट ब्राउजिंग। तो दोस्तों नेवर का मतलब है कि ट्रैकिंग प्रोटेक्शन बंद है कंप्लीटली। ऑलवेज ऑन का मतलब है चाहे आप प्राइवेट ब्राउजिंग करें या नॉर्मल ब्राउजिंग करें, हमेशा वो ट्रैकिंग प्रोटेक्शन इनेबल रहेगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि जैसे यूट्यूब देख रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रैकिंग प्रोटेक्शन को डिसेबल करने में फायदा है, क्योंकि ये सब कंपनी विश्वसनीय है, ये आपके इन्फॉर्मेशन का मिसयूज कभी नहीं करने वाले, ये सिर्फ अपने प्रोडक्टिविटी या आपके अनुसार रिजल्ट जो है इसको शो करने के लिए बेहतर कितना मतलब कि प्रोडक्ट को सर्विस दिया जा सके, सर्विस को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल करती है कंपनियां, ये सब विश्वसनीय है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कब करें? जब आप ऐसे वेबसाइट को विजिट करें जहां पर ट्रैकिंग नहीं शो करना है, तब जाके के प्राइवेट ब्राउजिंग में कीजिए, वो इनेबल रहेगा डिफॉल्ट में, और इसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, ट्रैकिंग प्रोटेक्शन जो है अच्छी चीज़ है या नहीं चाहिए, ये सब बातें जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि कैसे ट्रैकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।